नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। सुपरस्टार रजनीकांत ने एक बार फिर अपने फैंस से साफ कहा कि वो राजनीति ना ज्वाइन करने के अपने फैसले पर कायम हैं। चेन्नई में बीते काफी दिनों से लोग रजनीकांत को राजनीति में उतरने के लिए अपील करने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। फैंस ने यहाँ तक ऐलान कर दिया कि अगर रजनीकांत पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाते हैं तो वो आने वाले चुनावों में किसी के लिए भी वोट नहीं करेंगे। इस पर रजनीकांत के ऊपर दबाव बनता जा रहा था, मगर अब उन्होंने अपना बयान जारी कर लोगों से अपील की है कि वो उन पर दबाव ना डालें, इससे उन्हें दर्द होता है। रजनीकांत ने तमिल भाषा में एक ट्वीट जारी कर ये बात कही है। रजनीकांत ने कहा, मैंने अपना फैसला सुना दिया है, कृपया मुझसे बार बार राजनीति में आने के लिए कहकर तकलीफ ना पहुंचाएं। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि ऐसे प्रदर्शन ना करें, मुझ पर राजनीति में आने के लिए दबाव ना बनाएं, इससे मुझे दर्द होता है। अनुशासित और गरिमापूर्ण तरीके से इवेंट आयोजित करने के लिए धन्यवाद। आपको बता दें कि रजनीकांत ने हाल ही में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए चुनावी राजनीति में कदम ना रखने का फैसला लिया था। इससे पहले माना जा रहा था कि तमिलनाडु में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले रजनीकांत राजनीति में अपनी एंट्री का ऐलान कर सकते हैं। बता दें कि 29 दिसंबर 2020 को रजनीकांत ने बताया था कि वो राजनीति ज्वाइन नहीं करेंगे। उन्होंने कोविड-19 महामारी को इसकी वजह बताई। उनका कहना है कि अगर उन्होंने राजनीति ज्वाइन की तो इसका असर उनकी सेहत पर पड़ेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।